ये है क्रंची और सबसे आसान आलू साबूदाने के पापड़। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट दिख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाने के पापड़। ये साबूदाने आलू पापड़ बनाने का सबसे आसान तरीका है। इसमें ना तो हम आलू को उबालेंगे ना ही ग्रेट करेंगे। चलिए देखते हैं ये आसान तरीका कौन सा है। आलू साबूदाना पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम साबूदाने को ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास साबूदाने का आटा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। देखिए कुछ इस तरह का। इसमें से 1/4 कप ही यूज़ करना है हमें। इसे साइड में रख दीजिए। 3 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू को छील लीजिए। छीलने के बाद ग्राइंडर में इस तरह से छोटे टुकड़े कट करके डाल लेना है। ग्राम में लगभग ये 250 ग्राम आलू है। इतने आलू को ग्राइंड करने के लिए छोटे चम्मच से 3 चम्मच पानी ही यूज़ करना है। ग्राइंड हो जाने के बाद एक बर्तन में डाल के नाप लीजिए। जितना हम ग्राइंड किया हुआ आलू लेंगे उससे डबल हम पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप लिया है तो इसमें मैं 4 कप पानी डाल दूंगी। पानी ठंडा है, गर्म नहीं है। अगर आपका 1 कप है तो आपको 2 कप डालना है। अब मैं इसमें 1/4 कप डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ साबूदाना। अगर आपने 1/4 कप ग्राइंड किया हुआ साबूदाना डाला है तो इसमें 1 कप पानी डालना है। मीन्स ग्राइंड किए हुए साबूदाने का 4 गुना पानी डालना है। लास्ट में डाल दीजिए सेंधा नमक या फिर सादा नमक, जो भी आप खाते हैं। जीरा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दीजिए। लगातार चलाते रहिए। थोड़ा सा कुक हो जाने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है। बीच बीच में चलाते हुए कुक कर लेना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की ना हो जाए, या फिर उबाल आने के बाद 10 से 12 मिनट ना हो जाए तब तक कुक कर लेना है। एक बात का ध्यान रखें, जितना हमने ग्राइंड किया हुआ आलू लिया है उससे डबल पानी डालना है, और जितना साबूदाने का आटा लिया है उससे 4 गुना पानी डालना है। जैसे ही ये गाढ़ा हो जाए या फिर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाए, फ्लेम को बंद कर दीजिए। चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए और पॉलीथीन बिछा लीजिए। पॉलीथीन एकदम प्लेन बिछाएं। पॉलीथीन की क्वालिटी अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही इसमें ऑयल नहीं लगाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। इसमें ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से डाल लीजिए। ध्यान रहे बहुत पतला नहीं डालना है, थोड़ा सा मोटा ही डालना है, थिक ही डालना है। इस तरह सभी डाल लीजिए। इसे धूप में ही सुखाएं। अगर आप रात में बना रहे हैं तो रात में फैन के नीचे सुखा सकते हैं और दूसरे दिन धूप में सुखा लीजिए। जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक सुखा लेना है। मैंने इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लिया था। अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज है तो एक ही दिन में सूख जाएगा। अगर आपके घर धूप नहीं आती है तो आप 3 से 4 दिन तक इसे फैन में सुखा सकते हैं। सूखने के बाद आप इसे पर ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रख सकते, 1 से 1.5 महीने तक ही रख सकते हैं। पर अगर आपने इसे धूप में सुखाया है तो लगभग 1 साल तक इसे स्टोर करके रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट बने हैं। तलने के लिए ऑयल को गर्म कीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। एक एक करके डालते जाइए और तल के निकालते जाइए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में भी आप इसे रोस्ट कर सकते हैं। आधे से 1 मिनट में ये हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इतनी आसान सी आलू साबूदाना पापड़ की रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करना ना भूलें। इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।